This is a wonderful day, dear friends, and good morning, and God's blessing be upon you. और ये अद्भुत दिन है मेरे प्रियो, सुप्रभात और परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो. God is good. परमेश्वर भला है. He is always good. और वो हमेशा भला है. And he wants good thing to happen to you today. और वो चाहता है कि अच्छी और भली बातें आपके संग हों. Remember, we are meditating on that great personality in the New Testament, the book of Acts, Stephen. और याद रखिए, हम मनन कर रहे हैं एक बहुत ही महान व्यक्ति, व्यक्तित्व के ऊपर, नए नियम से, जिस व्यक्ति का नाम है स्टीफनुस. As some of us say, before he could begin, he is gone. और जिस जैसे कि हम में से कई ऐसा सोचते या कहते हैं, इससे पहले कि वो अपनी सेवकाई या जीवन की शुरुआत करे, वो जा चुका था. But the only time we see him defending the gospel. और लेकिन एक ही बार जब हम उसे देखते हैं सुसमाचार का रक्षा करते हुए, what a mighty defense it was. और कितनी बड़ी ही रक्षात्मक तरीके से वो सुसमाचार को बचाता है. His enemies could not stand before his और उसके शत्रु उसके ज्ञान के सम्मुख खड़े नहीं हो पाते. And his thorough knowledge of the history of the Jewish. और वो यहूदी कलीस यहूदियों के इतिहास की जो बड़ा ज्ञान उस जानकारी उसके पास मौजूद थी, उसके सम्मुख कोई नहीं खड़ा हो पाता था. और हमारी समझ में इट वॉज अ बिग लॉस फॉर द चर्च दैट ही इज किल्ड बिफोर हिज. और हमारी समझ में तो हमें लगता है कि कलीसिया का एक बड़ा नुकसान हो गया जब स्टीफनुस को मार डाला गया. बट इन ट्रूथ, लेकिन सच्चाई में, द रियलिटी इज देयर वाज मच मच गेन because of his death. Vastavikta to ye hai ki bahut aur dusre laabh the jo usne paaye. Let us continue with this meditation. Aur aaiye hum aage badhenge apne is manan mein. In our last meditation we observed the loss of Stephen suffered because he wanted to gain in life. और हमने अपने पिछले मनन में देखा कि कौन सी बातों में स्टीफनुस ने खोया या किन बातों को स्टीफनुस ने खो दिया क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ पाना चाहता था. Remember our text, the gospel according to Saint Mark chapter 8 verse 34. और याद रखिए, हमारा वचन जो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 35वां वचन. Let us today look into his gain. और आइए आज की सुबह हम देखेंगे कि स्टीफनुस ने क्या पाया. Number one, पहली बात, he gained the joy of remaining true to his convictions. उसने उस आनंद को पाया कि वो अपने विचारों और सिद्धांतों के प्रति जिस पर वो विश्वास करता था शुद्ध बना रहे. Could not be intimidated. और वो किसी भी उसको डराया नहीं जा सकता था. No compromise. और किसी भी तरीके का समझौता उसने नहीं किया. He stood firm on his conviction. और उस अपने विचार और अपने सिद्धांतों के लिए वो खड़ा रहा. You know, one of the sad things that I am noticing these days. और एक ऐसी दुखद बात जो मैं इन दिनों में देखता हूँ. Even among pastors. और पासवानों के बीच में भी. And Pentecostal pastors. और पेंटेकोस्ट के विश्वासी और पासवानों के बीच. And our own assemblies of God. और हमारी assemblies of God की संस्था या कलीसिया के बीच में, they do not have any particular conviction. कि इन लोग अगुओं के पास, इन पासवानों के पास कोई कायलता, कोई कन्विक्शन है ही नहीं. And it is very sad. और ये तो बड़ा ही दुखद है. My friends, if you are a minister of the gospel and you belong to a particular denomination, you should have a specific conviction of what is the truth. और मेरे मित्रों, अगर आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सेवक और पासवान हैं, तो आपके पास वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप किस पर विश्वास करते हैं. And then stand for the truth. कि आप सच्चाई के लिए खड़े रहें. Even if you lose your life. यहाँ तक कि अगर आपको अपना जीवन भी खोना पड़े. You must be a man of your word and your conviction. और आप तो एक ऐसे पुरुष हो जो अपने शब्द जो कहते हैं उनको पूरा करें और जो बातों पर आप विश्वास करते हो उनके लिए खड़े रहें. Not changing according to the situation and circumstances and you know, things like that. और परिस्थितियों को देखते हुए बदलने वाले नहीं. The circumstances and maybe against you. और हो सकता है परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो. But you don't like it. लेकिन आपको पसंद नहीं. So what do you do? आप क्या करते हैं? You change your conviction. तो आप अपने निश्चय, अपने दृढ़ निश्चय को बदल लेते हैं. To fit yourself in the present condition. ताकि आप जो वर्तमान की परिस्थिति है उसमें खुद को ढाल Such सकें. A man will never please God. तब ऐसा पुरुष या मनुष्य कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा. You may gain something very temporary. हो सकता है आप किसी अस्थायी बात को पाले या वस्तु को ग्रहण
ग्रहण कर लें। But learn this lesson from Stephen. लेकिन इस शिक्षा को स्टीफनुस के जीवन से लें। He had the joy of standing firm in his conviction. उसके पास वो आनंद था कि वो अपने दृढ़ निश्चय में अंत तक खड़ा रहा। And secondly, दूसरी बात, he had the joy of remaining true to his commitment to obedience. और उसके पास वो आनंद था कि वो अपने समर्पण के प्रति, जो यीशु पे के लिए था, उसकी आज्ञाकारिता के प्रति वो समर्पित रहा। He heard his master's voice. उसने अपने स्वामी की आवाज को सुना। The voice said, "Preach." उस वाणी ने उससे कहा, प्रचार कर। And he did. और उसने किया। And the voice said, "Correct." उस आवाज ने कहा, इन्हें सही कर। And he did. और उसने ऐसा ही किया। And then again the voice said, "You rebuke." और उस वाणी ने कहा, इन्हें डांट। And he did. और उसने ऐसा ही किया। You will find all these in his speech. और इन सारी बातों को आप उसके वार्तालाप में पाएंगे। He preached the gospel. उसने सुसमाचार का प्रचार किया। He made corrections. और उसने जहां सही करना था लोगों को, वहां सही किया। And he rebuked those who refused. और जिन्होंने विरोध किया, उन्हें डांटा। All for what? सब किसके लिए? All for the joy set before him. वो सारे आनंद के लिए जो उसके सम्मुख रखा गया। According to Hebrews chapter 12 verse 2. और इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय दूसरा वचन। And let us look into that passage. आइए हम उस वचन की ओर देखें। What does it say? वहाँ पर क्या लिखा है? Hebrews. इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय दूसरा वचन। इस प्रकार लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न कर कर क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Hallelujah. What a wonderful person Stephen was. और कितना अद्भुत और कितना अद्भुत यह व्यक्ति स्टीफनुस था। Why are so many Christians appear to be mournful? और क्यों बहुत से मसीही शोकित दिखाई देते हैं? Why not joy? क्यों नहीं उनके भीतर आनंद दिखता? And why so many unhappy and broken? और क्यों बहुत से नाखुश हैं और टूटे हुए हैं? You know why? आपको पता है क्यों? Because there is no obedience. क्योंकि कोई आज्ञाकारिता नहीं है। And why there is no obedience? और क्यों आज्ञाकारिता नहीं है? They do not have a particular conviction. क्योंकि उनके पास कोई दृढ़ निश्चय है ही नहीं। Their conviction also keep changing. उनके निश्चय, उनके दृढ़ निश्चय बदलते रहते हैं। Along with the conviction, their doctrines also keep changing. और उनके निश्चय और विश्वास के साथ उनके सिद्धांत भी बदलते रहते हैं। And what was wrong yesterday is no longer wrong today. और जो कल गलत था, वो आज गलत नहीं है। And what we blamed others for something wrong in the past, now we ourselves do. और जो भूत में हम पहले हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते थे कि वो ऐसा गलत कर रहे हैं, वही काम हम वर्तमान में करते हैं। How do you expect yourself to be happy? तब कैसे आप खुद को खुश पाएंगे? You will never be. ऐसा कभी नहीं होगा। Because deep down in your heart you know you are doing wrong. क्योंकि अपने हृदय के भीतर आप इस बात को जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। You may not admit to others. और आप दूसरों के सामने इस बात को हो सकता है ना मारे, लेकिन वो गिलानी आपके अंदर है। And that will find you out one day. और वो पाप आपको खोज लेगा एक दिन। And thirdly, तीसरी बात, he gained the joy of Jesus and his presence. और उसने यीशु मसीह को पाने और उसकी उपस्थिति के पाने का आनंद को उठाया। Acts chapter 6 verse 15. प्रेरितों के कार्य उसका 6वां अध्याय 15वां वचन। And again chapter 7 verses 55 and 56. और उसके बाद 7वां अध्याय 55 वचन 56 वचन। As they were ready to stone and as the stone started flying. और जैसे वो उसके ऊपर पथराव कर रहे थे, पत्थर हवा में उसकी ओर जा रहे थे। He did not look to the right or left or behind or in front. To trying to find a route to escape. और उसने ना ही दाहिने, ना ही बाएं, ना ही सीधे, ना ही पीछे देखा कि किसी तरीके से एक मार्ग को ढूंढ के वो भाग जाए। But he looked up. लेकिन उसने अपनी आंखों को उठाकर ऊपर देखा। And what did he see? और उसने क्या देखा? Open heaven. उसने देखा कि स्वर्ग उसके लिए खुल गया है। And my friends, that's a good way of looking
When you are in trouble and your life is threatened. और मेरे मित्रों, एक बहुत ही अच्छा तरीका है देखने का, जब आपकी साथ के जीवन में समस्या आती है, मुश्किलें आती हैं। Don't try to look all around you and trying to find a way to escape. और अपने इर्द गिर्द ना घूमे, ना देखे कि किसी तरीके से कोई मार्ग दिख जाए बचने का, भागने का। Look upward. लेकिन ऊपर की ओर देखें। Then you will find the sea and open heaven above you. तब आप देखेंगे कि एक स्वर्ग आपके लिए खोल दिया गया है। And he saw Jesus standing. और उसने देखा यीशु खड़ा है। And his face also were glowing as the enemies looked at him. और जैसे शत्रुओं ने उसके मुख की ओर देखा, वो मुख भी महिमामय हो गया। The joy of Jesus and his presence. यीशु को पाना और उसकी उपस्थिति को पाने का आनंद। The stones began to fly. और वो पत्थर उसकी ओर जाने लगे। And the angry shouts intensified. और वो गुस्से में लोग चिल्लाने लगे। As the people were gripped by frenzy and hatred. जैसे लोग घृणा और क्रोध से भर गए। But in the midst of it all. लेकिन इन सारी बातों के मध्य में। Stephen's face was filled with the radiance of God's glory. स्टीफनस का मुख परमेश्वर की महिमा से भर गया। Psalm 16 verse 11 से। भजन 16 उसका 11वें वचन में लिखा है। 16 Psalm 16 verse 11. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया दिखा गया है। तू तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। That is the joy of his presence. और ये है उसकी उपस्थिति का आनंद। Is anyone casting stones at you? क्या कोई आपके ऊपर पथराव कर रहा है? The stone of ridicule. या हो सकता है आपकी बुराई का पथराव। The stone of hate. या घृणा का पथराव। The stone of criticism. या आलोचना का पथराव। The stone of depreciation. या नीचा दिखाने का वो पथराव। The stone of anger. या गुस्से का पथराव। Through Christ's presence, you may find real joy. In the midst of it all. प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा आप इन सारी बातों के बीच में अपने आनंद को पा सकते हैं। That's what he gained. और इसी बात को स्टीफनस ने पाया। What more can you expect? What more you want? और इससे ज्यादा और आप क्या आशा रखते हैं, या इससे और ज्यादा आप क्या चाहते हैं? There is no greater riches and pleasures that you can enjoy than the pleasure of enjoying God's presence. और इससे ज्यादा और कोई समृद्धि या धन या और कोई बात नहीं जिसका आनंद आप ले सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आनंद, उसकी उपस्थिति का आनंद। So we have now considered the loss that Stephen suffered. और अब हमने, अगर हम जिन बातों को स्टीफन उसने खोया उन्हें देखा, and the gains he उसके पश्चात आज हमने देखा जिन बातों को स्टीफन उसने पाया। When you weigh these two, जब इन बातों को आप उठाकर मापते हैं, the gains will outweigh hundreds, millions times weightier than the losses. तभी स्टीफन उसने जो पाया, वो बातें जो उसने खोई, उनसे कहीं ज्यादा उसने पाया है। Thirdly, तीसरी बात, what was the impact of इन सारी बातों का परिणाम क्या हुआ? Acts chapter 10, 26 verse 10. प्रेरितों के कार्य उसका 26वां अध्याय 10वां वचन। And I did so in Jerusalem. और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया। I not only locked up many of the saints in prison after receiving authority from the chief priest. But when they were put to death, I cast my vote against them. और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सहमति देता था। So what is the impact? तो इसका परिणाम क्या हुआ? This was the life of Saul of Tarsus. और ये था जीवन पौलुस का जो तार्सस नगर से आता था। And then verse 12 onward, he is standing before these kings and authorities and telling them his testimony
अबाउट हिज कन्वर्जन। और 12वें वचन से हम देखते हैं कैसे वो अपनी गवाही को राजाओं शासकों के सामने खड़े होकर के देता है कि कैसे यीशु ने उसके जीवन को बदल दिया। Who can measure the impact? और कौन इसके परिणाम को तुलना या इसको माप सकता है? When you think of Paul the apostle, जब आप पौलुस प्रेरित के बारे में सुनते या सोचते हैं, the apostle to the Gentiles, और वो जो गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार प्रचारक बना, and the gospel was carried to the region far and wide, और उसके द्वारा सुसमाचार को दूर दूर तक परमेश्वर ने पहुंचाया, 2/3 of the New Testament came through this one man. और दो तिहाई नए नियम का जो भाग है ये इस एक व्यक्ति पौलुस प्रेरित से के द्वारा आया। What was he doing when Stephen was killed? और जब वो क्या कर रहा था जब स्टेफनुस की मृत्यु हुई? He as the leader was keeping the clothes of those who were stoned. वो अगवा होते हुए उस पथराव का उन लोगों के कपड़ों को अपने हाथों में लिया हुआ था जो पथराव कर रहे थे। Who can describe the impact of one man or one life wholly given away for the gospel? और कौन वर्णन कर सकता है एक उस परिणाम के बारे में जो एक मनुष्य अपने एक जीवन को पूर्ण रीति से सुसमाचार के लिए दे दे? The apostle to the Gentiles. और वो प्रेरित बना, सुसमाचार प्रचारक बना गैर यहूदियों के बीच। No one can measure that impact. और कोई भी उस परिणाम को माप नहीं सकता। स्टेफनस, his death, उसकी मृत्यु, impacted Saul of Tarsus greatly. उसकी मृत्यु ने पौलुस प्रेरित को बहुत गहरी रीति से उसके जीवन में एक छाप को छोड़ा। He could not get rid of that scene. और वो दृश्य उसकी आंखों के सामने से दूर नहीं हटता था जब स्टेफनस के ऊपर पथराव किया गया। He could not forget the prayer he Stephen prayed. और वो उस प्रार्थना को भी नहीं भूल सकता था जो प्रार्थना स्टेफनस ने करी। God, lay not this guilt upon these people. कि परमेश्वर होने दे इस पाप को तू इन लोगों के विरुद्ध ना लिखना। Receive my spirit. मेरी आत्मा को ग्रहण कर। And Saul of Tarsus would never be the same again. और वो पौलुस जो तार्तस नगर से आता था वो फिर से वैसा ही नहीं रहा। What Stephen could not achieve physically here on earth. जिन बातों को स्टेफनस ने शारीरिक रूप से इस पृथ्वी पर होकर नहीं पूरा कर सकता था। Through his death, उसकी मृत्यु के द्वारा, he gained how many fold of a blessing for the church of Jesus. कितना ही ज्यादा उसने प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लिए आशीषों को पाया। Through the apostle Paul. पौलुस प्रेरित के द्वारा। You will never underestimate God's ways. आप कभी भी परमेश्वर के तरीकों को छोटा ना आंके मेरे प्रियो। It may seem to be senseless and foolish to और हो सकता है परमेश्वर के तरीके हमारे लिए अर्थहीन और मूर्खता दिखाई दे। Remember what this man Paul said. लेकिन याद रखिए इस बात को जो पौलुस ने कही। God's foolishness is wiser than man's greatest wisdom. और इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य की या मानवता की सबसे महान ज्ञान से भी बड़ी ज्ञानी है। Leave yourself into the arms of God. और इसलिए खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। Let him lead you. और होने दे वो आपका मार्गदर्शक बने। Guide you. आपका मार्गदर्शक बने। Fill you with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से आपको भर दे। And use you. और आपका प्रयोग करे। Whatever way he wants. और जिस भी तरीके से वो चाहता है। Short time or long time. चाहे वो छोटा समय हो या लंबा समय हो। It doesn't matter. ये मायने नहीं रखता। You may be able to preach only one sermon. हो सकता है सिर्फ एक ही एक प्रचार आप करें। And one man converted. और एक मनुष्य का परिवर्तन हुआ। And then you are gone. और आपकी मृत्यु हो गई। You know, what God can do with that one man who got saved by your one preaching? क्या आपको पता है कि आपके एक सुसमाचार या प्रचार से जिसे एक मनुष्य को बचा लिया गया उसके द्वारा उस मनुष्य के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है? You cannot measure it. आप उसे माप नहीं सकते। So be faithful to God. इसलिए परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें। And allow Him to work in you and through you. और होने दे वो आपके भीतर उसे अनुमति दे कि वो आपके भीतर और आपके द्वारा कार्य करे। Hallelujah. Hallelujah. May the Lord's blessing be upon you. होने दे परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो।
God wants some Stephens. परमेश्वर तो खोज रहा है इन दिनों में कुछ स्टीफन जो अपने दृढ़ निश्चयों में हियाव के संग खड़े रहेंगे. Never allow other powers to intimidate you. और किसी भी प्रकार के सामर्थ्य शक्ति को उन्हें डराने नहीं देंगे. God will achieve what he wants to achieve in you and through you. और परमेश्वर आपके द्वारा उन बातों को पूरा करेगा, उपलब्ध करेगा जो वो आपसे करना चाहता है. Holy Spirit of God, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, thank you once again for the lessons that we धन्यवाद फिर से इन शिक्षाओं के लिए जो हमें तूने दी. Now may your spirit move upon our lives. उन्हें दे अब तेरी आत्मा हमारे जीवनों पर अब तक चलन करे. We too shall remain true to our conviction. ताकि हम भी अपने दृढ़ निश्चय के प्रति विश्वास योग्य बने रहें. And never allow any powers or persons to intimidate. और ये अनुमति कभी भी ना दे कि कोई व्यक्ति या कोई सामर्थ्य हमें डराने पाए. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. This is a great day, friends. मेरे मित्र एक महान दिन है. Be like Stephen. स्टीफन उसके समान आप बन जाएं. It is not how long you live. ये मायने नहीं रखता कितना लंबा आप जिएं. But how well you live. लेकिन कितना अच्छा आप जीते. Stephen did not live long. और स्टीफन उस लंबा नहीं जिया. But what a wonderful life. He said before us. लेकिन कितना अद्भुत जीवन का उदाहरण उसने हमारे सम्मुख रखा. He lived well. वो अच्छे से जिया. Let this be our motto. और होने दे यही हमारा सिद्धांत हो. God's blessing be upon. परमेश्वर का आशीष आप सबके संग रहे. Amen. Amen.